दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का एक और दिन प्रैक्टिस कैंप पर और काफी सारी अपडेट्स के साथ एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें बात करने वाले हैं दिन भर की टीम केकर के प्रैक्टिस कैंप की। कुछ रीसेंट अपडेट्स भी आपको देंगे। अब आप सभी को बता दें कि इस वीक यहाँ पर 2 से 3 मुकाबले शेड्यूल है प्रैक्टिस मैचों के लिए, बट अभी तो सिर्फ नेट सेशन हो रहा है जिसमें दोस्तों मॉक ड्रिल्स हो रही है। प्लेयर्स को यहां पर एंट्री दी जा रही है कि आप एक ओवर के अंदर या तो इतने रन डिफेंड कर लो या फिर इतने रन बना दो। अभी ये बात तो अलग अलग है, बट दोस्तों आज की वीडियो में हम खास तौर के ऊपर बात करने वाले हैं कौन से प्लेयर की जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसी रही है, यानी इन शॉर्ट ऑलमोस्ट जितने प्लेयर का हमारे पास यहाँ पर दोस्तों डेटा है उसको एनालाइज करते हुए आपको रिपोर्ट कार्ड में देने वाला हूँ। तो ऐसे ही अब से मज़ेदार और शानदार वीडियोस आने वाली हैं, कंटेंट भी आपके लिए काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो यार अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर भी जल्दी फॉलो कर लो, फ्री आईपीएल टिकट्स का गिव अवे वहाँ पर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह, नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर तीनों लेफ्ट की अगर बात करें तो नेट सेशन के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। हालांकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 10 यहाँ पर नेट बॉलर्स जो CAB है यानी जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है उनसे यहाँ पर KKR ने यहाँ पर जो है मांगे हैं, और बात करें तो उन्होंने हाँ भी कर दी कि वो बेस्ट स्टेट के 10 बॉलर दे देंगे। ये आपको पुरानी वीडियो में हमने आपको बता दिया था, बट अगर बात करें तो रिंकू राणा वेंकटेश तीनों लेफ्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वरुण चक्रवर्ती सुयश शर्मा जो है वो रिसेंट सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव नज़र आए और थोड़ा आउट ऑफ कलर भी नज़र आए। अनुकुल रॉय और कुलवंत खेजरोलिया भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स सबसे अलग जो आपको देखने को मिलेगा टीम केकेआर के प्रैक्टिस कैंप में वो है मनदीप सिंह। अब मनदीप सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। हालांकि प्लेइंग 11 को ये तो आप सबको पता होगा यार, ये तो कंफर्म उनको भी होगा कि प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, बट यार जिस तरह की परफॉर्मेंस अगर दे रहे हैं, अगर ये कहना झूठ नहीं होगा कि आप नीतीश राणा को बाहर बिठाकर मनदीप सिंह को ट्राई करा सकते हो, ये उस लेवल की जॉट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट सबसे जो टॉप हाईलाइट रही है रिंकू राणा वेंकटेश और मनदीप की बैटिंग के अंदर वो है मनदीप सिंह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो स्काई की 360 शॉट्स है वो भी ये मार रहे हैं। लेट्स होप टीम केकेआर अपने लिए जो प्लेइंग 11 चुने वो काफ़ी अच्छी चुने। ऐसे ही प्रैक्टिस कैंप की जो भी अपडेट्स होगी हम आपको सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।